हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे घर आ रहे हैं हमारे जेठ जी, जो है अमेरिका से, जो आगे बालक है। तो आ रहे हैं अपनी मम्मी पापा से, अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी सबसे मिलने और उनसे मिलने। तो बस आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और डिनर लेंगे। तो बस आज के ब्लॉग में यही साथ बने रहिए मेरे साथ। चीकू खेलने जाओ, खेलने जाएगा अनाया के घर जाएगा। अनाया दीदी क्या खा के आएगा? हम लोग बस वेट कर रहे हैं, चाची लोग कभी भी आ सकते हैं। तो बस आ ही गए हैं चाची लोग। ये देखिए चाची भैया पहुंच गए हैं और चाचा जी भी पहुंच गए हैं। एक सबने एक दूसरे से मिले और फिर चाची लोग बैठे हैं। देखिए भैया ने लाए हैं बच्चों के लिए चॉकलेट, तो बच्चे तो पा करके बहुत खुश हो गए हैं। तो अब है टी टाइम। तो हम लोगों ने सबको चाय सर्व की है और सब मिल करके चाय पीते हुए थोड़ी देर सब गप्पे मार रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में खाना हमारा रेडी है, खाना खाएंगे। क्योंकि चाची जी लोग को रात में वो रुकने वाले नहीं हैं, वो चले जाने वाले हैं। तो फिर हम लोगों ने पहले वेज है खाना, उस वो सर्व कर दिया है। तो बाकी लोगों ने खा लिया है भैया के साथ। ये लोग बाहर थोड़ा घुमाने भैया को ले गए थे और आए, फिर उन्होंने हम लोगों ने इन सबको भी खाना सर्व कर दिया है। ये देखिए भैया और इनने भी मस्त फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और एक दूसरे से सब हंसी मजाक करते हुए बैठे रहे हैं, बातें चीतें बहुत सारी की। बहुत अच्छा लगा भैया से मिल के। बातों करते करते बहुत समय बीत गया, अब बारी थी विदाई की। तो बस जैसे ही विदाई होने लगी तो देखिए क्या हुआ, हमारे चीकू का रो रो के बुरा हाल हो गया है कि अब वो बोल रहा है मत जाओ नक्को जाओ। चाची के साथ बचपन का अटैचमेंट है आपके साथ। तो बस चाची लोग की गाड़ी लग गई थी और चाची जी लोग थोड़े देर में रवाना हो गए। अब नेक्स्ट डे बारी है, हमारे घर कोई और भी आने वाला है। तो आ गई हमारी ननद प्यारी, हमारी स्वाति दीदी। तो उनके लिए नाश्ते में बन रहा है स्पेशल अप्पे और लंच में हम लोग बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो ये देखिए ये है दोनों बहनें जानवी और नियति। इन लोगों को पास्ता बहुत पसंद है, तो दोनों बहनें मिलके बना रही है पास्ता। और डिनर में लगता है ये लोग पास्ता ही खाने वाले हैं। और बस हमारे यहाँ आज हमारे मम्मी पापा की 45th वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो घर में ही बस छोटा सा केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ। दीदी ने आरती वगैरह उतारी और चीकू के साथ मम्मी पापा ने केक कट किया। और फिर बस आज पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने बिल्कुल लाइट से खाना बनाया और बस इसी तरीके से ये सेलिब्रेशन हुआ। और फिर हम लोगों ने सब डिनर विनर निपटा करके हम लोग बस बाहर पूरे कुर्सियाँ वगैरह निकाल लेते हैं और बस बाहर हम लोग थोड़ी देर बैठने के लिए चले गए। तो यहाँ पे बाहर पे हमको मिल गई स्वीटी, वो भी मेरी फ्रेंड है, वो भी अपने मायके आई हुई है। तो ये उसकी छोटी सी बेटी है रिद्धि, ये भी खेल रही थी। स्वाति दीदी से इसकी मुलाकात हुई क्योंकि ये भी चले जाने वाली है, काफ़ी दिनों से आई हुई थी। तो इसीलिए बस रोज़ रात में इस तरीके से हम सारे मोहल्ले वाले भाभी लोग हैं वो सब भी आ जाती हैं और इस तरीके से बैठ के गप्पे मार के थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे। हमारी स्वाति दीदी साइकिल चला रहे हैं, बहुत बड़ी साइकिल है। ये अपना बचपन पूरा जी लेना चाह रहे हैं, मायके में आके पूरा बचपन जी रही है अपना। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ प्लान बना रहे थे जिसको बहुत कट करने की गुंजाइश है। तो अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये है सस्पेंस। तो
इसको जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।